अल्लाह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। मैं और ताहिर आज मौजूद हैं पतराड़ के एरिया में। ये जो यहाँ से लोकेशन है, यहाँ से व्यू आप देख लें पीछे पूरे पतराड़ का, बहुत ही जबरदस्त आ रहा है। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि हम आज उस जगह जा रहे हैं, उन बाबा के मज़ार पे जा रहे हैं जिनको बाबा बदी कहा जाता है और जिन्होंने जो है ना पतराड़ की बुनियाद रखी और वो अवानों के बाबा भी कहलाते हैं। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे और रास्ते में जो जो खूबसूरत मनाज़िर होंगे वो भी दिखाएंगे। और आज हम इस वीडियो में, ये स्पेशल क्यों होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज तारीख दान ताहिर मेरे साथ है और हम आपको पूरे जो है ना उसकी तारीख बताएंगे कि कौन सी सदी में यहाँ पर अवान पतराड़ में आबाद हुई है और किन्होंने पतराड़ को आबाद किया और फिर यहाँ से जो है ना वो यहाँ से आदमी उठकर फिर आगे कौन कौन से गांव जो है ना वो आबाद हुई है। तो आज वीडियो लास्ट तक लाजमी देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर मज़ा आएगा। तो अभी चलते हैं अपने सफ़र पे और एक बार बैक का भी देख लें। ये देखें जी, माशाल्लाह सुबह का टाइम है और व्यू बहुत ही ज़बरदस्त। गाय भी अभी निकल चुकी हैं चरने के लिए और ये सामने वो चनोटा पहाड़ी है। दोस्तों अभी हम खम्मन से आगे निकल चुके हैं और आज की जो मंजिल है हमने बेहोड़ जाना है। वहाँ पे बाबा बदी रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है और बहुत ही खूबसूरत दरबार है। वहाँ पे फिर आपको पहुँच कर इंशाल्लाह पूरी हिस्ट्री भी बताई जाएगी। हम सफ़र बहुत सुकून से कर रहे हैं, आहिस्ते आहिस्ते जा रहे हैं और साथ में जो जो मज़े अच्छी लोकेशन आएंगी वो हम आपको दिखाएंगे और ड्रोन से भी हम रस्ते में इंशाल्लाह कुछ भी कैप्चर करेंगे और साथ में दिखाएंगे। हम दोनों आखिरकार अभी जिस लोकेशन पे पहुंचे हैं, ये दमन से आगे कोयले की माइन है, ठीक है, पीछे नज़र आ रही होगी। और यहाँ लोकेशन ऐसी है कि आज देखें पूरा जो नीचे का एरिया है प्लेन एरिया, यहाँ से पहाड़ ख़त्म हो रहे हैं और प्लेन एरिया यहाँ से शुरू हो रहा है और इन्हीं पहाड़ों में नीचे एक जो दरबार पीछे वाइट सा नज़र आ रहा है बिल्कुल, मैं वो सामने, ठीक है, वो पहाड़ों के से नीचे भी उतर कर हमने वहाँ पर जाना है और वहाँ पर हज़रत बाबा बदी रहमतुल्लाह अलैह की का मज़ार मुबारक है, वहाँ पे जाएंगे। और आपको साथ बताते चलूँ कि यहाँ से जो पूरा प्लेन एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ से दरिया जेलम भी पीछे नज़र आ रहा है, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक नीचे कोई फैक्ट्री लगी हुई है वो भी सामने नज़र आ रही है। आपको बताता जाऊँ कि साथ में यहाँ से कट्ठा भी जो है ना इस साइड पे पीछे नज़र आ रहा है और बहुत ही लोकेशन वाली नज़र जगह है ये। यहाँ से अभी हम ड्रोन उड़ाएंगे, ड्रोन हमें फॉलो करेगा और फिर आप यहाँ के नज़ारे देखिएगा और फिर नीचे जाके इंशाल्लाह दरबार पर बाकायदा वीडियो बनाएंगे। कितनी हस्ती मस्ती यार मिटा दे, अकिश्क दी दिल दी तुई जगा दे। हो इश्क दी हस्ती मस्ती यार मिटा दे, अग इश्क दी दिल दी तुई जगा दे। बुले वांग नचावन तारा इश्क दिया, औखे पेंडे लमिया नीरावा इश्क दिया, औखे पेंडे लमिया रावा इश्क दिया। अल्लाह दोस्तों तकरीबन हम
10 मिनट का रास्ता रह चुका था कि हम जो है ना रास्ते में टायर पंचर हो गया है और अभी हम लोग पैदल जा रहे हैं, बिल्कुल जंगल के दरमियान से गुजर रहे हैं, पहाड़ ही पहाड़ हैं। बाइक हमने पीछे खड़ा किया है क्योंकि आगे लेके जाना नामुमकिन था। तो अभी वहाँ से दरबार नज़र आ गया है तो थोड़ा दूर है। तो बैक का व्यू देख लें आप, हवा बहुत तेज है। सामने दरबार है जी, जूम करके दिखाता हूँ। वो सामने दरबार है, वो देख वो पहाड़ की एंड है ना जी। बिल्कुल मैं थोड़ा जूम करता हूँ और ये जो कोयला जो आपको गिरा हुआ नजर आ रहा है ना, ठीक है, वो ऊपर से हम लोग आए थे और देख लें कितना दूर है ये दरबार उधर से। वो सामने दरबार है, ठीक है, अभी चलते हैं आगे। माशाल्लाह देखें दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में देली लगी हुई है। जो सब्जी है इसको जो है ना, ये जब अचार बनाते हैं तो उसमें डालते हैं, बहुत ही खूबसूरत और मज़े वाली हैं। ये जो पग हैं इनका रंग देखें आप, सुर्ख हो गया, बकाया ग्रीन है। ये देखिए जी, बिल्कुल सामने हम पहुँच चुके हैं बाबा बदी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे। ओ, किसी जाए नहीं है। ओ, माशाल्लाह दोस्तों, बहुत तेज हवा है, इतनी ठंडी यख हवा चल रही है कि वीडियो बनाना मुश्किल हो गया है। ये देखो जी, सख्त हवा है, ये पीछे दरबार है और दरबार का व्यू आप हर तरफ से देख लें, बिल्कुल ओपन माहौल है। कितनी खूबसूरत जगह है माशाल्लाह। सबसे पहले यहाँ पर फातह खानी होगी और उसके बाद आपको हिस्ट्री बताई जाएगी आज इस बाबा बदी रहमतुल्लाह अलैह की। अभी ऊपर हम दरबार के ऊपर गए थे तो वहाँ पर हमने फातह खानी की है। मेरा ऊपर प्लान था कि दरबार के ऊपर बैठ के वीडियो बनाते क्योंकि तारीख़दान ताहिर आज मेरे साथ है जो हमें आज हज़रत बदी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन फराम करेंगे। मेरा दिल था कि हम ऊपर बैठ के बातचीत करते लेकिन ऊपर हवा इतनी तेज़ है कि हम बिल्कुल बातचीत नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताता जाऊँ कि बाबा बदी रहमतुल्लाह अलैह जो पथराड़ के जद अमजद भी हैं, हज़रत बदी रहमतुल्लाह अलैह उन कुतुब शाह के पोते थे। तो उन कुतुब शाह सबसे पहले यहाँ पर जो है ना 10वीं सदी में वादी सून में आए और फिर तकरीबन जो है उसके बाद जो है बाबा बदी रहमतुल्लाह उनकी नस्ल में से 2 सदी बाद यहाँ पर अब आए पथराड़ में। तो मैं अगर थोड़ा पीछे जाऊँ तो आपको थोड़ा बताता जाऊँ कि वैसे तो आपको पता है बरसगीर में अरब जो आए थे वो सबसे पहले तकरीबन 7वीं सदी में आए थे जब मोहम्मद बिन कासिम अपना लश्कर लेकर दीबल के रस्ते पाकिस्तान में या बरसगीर में दाखिल हुए थे, ठीक है। तो अभी मेरे साथ आज ताहिर है, इनसे थोड़ा और हम आज बाबा बदी रहमतुल्लाह और पथराड़ के बारे में मालूमात और जो भी हमारा इलाका जो वादी सून से कलर कार तक जो है इनके बारे में पूरा जो है ना आज इनसे हम मालूमात लेंगे। ताहिर साहब दस्तों की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का शुक्र है, तुसे सुना है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, साढ़े व्यूअर थोड़ा दस दौ कि बाबा बदी रहमतुल्लाह केड़ी सदी चढ़ाना वो इस साढ़े इलाके च आए ते ए पिछों उन्हें जरा हसबे नसब एक मिसाल उन्हें बारे थोड़ा साढ़े व्यूअर दस दौ जी। बाबा बदीउद्दीन इन्हें दस नाम है
ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਬੀਂ ਸ਼ਾਹ ਮਤਲਬ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਸ਼ਜਰਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੀਂ ਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦਾ ਸਹੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਆਉਣ ਕੁਤਬ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਆਉਣ ਬਿਨ ਯਾਲ ਆ ਜੀ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਪੁਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਜਰਾ ਨਸਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ 12 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹਨ ਸਹੀ ਆਉਣ ਬਿਨ ਯਾਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਆਉਣ ਆ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੁਤਬ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਸਹੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਗੋਲੜਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਕੰਡਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਕੰਡਾਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਗੋਲੜਾ ਔਰ ਆਉਣ ਕੁਤਬ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਤਬਲੀਗ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਲਾਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਅੰਗੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ ਸਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕੁਤਬ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਬੇਟੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਫਨ ਬਗਦਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਕੰਡਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਫਨ ਆਉਣ ਕੁਤਬ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਫਨ ਸਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਤ ਦੁਆ ਕਾਫਲੇ 'ਚ ਲਾਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁੱਲਾ ਗੋਲੜਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਕੰਡਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੁਕਨ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਜਰਾਂ ਸੀਖੂ ਵੀ ਸਾਂਸਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਕਨ ਆਇਆ ਜੀ ਅਤੇ ਸੁਕਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬਦੀਰ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸੁਕਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਏ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਗਿਣਾ ਹੈ ਅੱਛਾ 12ਵੀਂ ਸਦੀ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਾਹ ਬਿਓਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਚਸ਼ਮਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਵੇ ਪਹਾੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 2-1 ਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਹਿਮਾਨ ਅਲੀ ਜੀ ਔਰ ਦੂਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਸਾਫਰ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣ ਬੈਠੇ ਹਨ ਦਈਵਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਔਰ ਕੰਦਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਮਾਣ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਮੁਸਾਫਰ ਦੇ ਔਲਾਦ ਹਨ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮੁਸਾਫਰ ਦੀ ਔਲਾਦ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਕੰਦੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਜਰਾਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਦਵਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਦੂਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਰਹਿਮਾਨ ਅਲੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪਦਰਾੜ ਹੋ ਗਿਆ ਵਸਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਮਰਾ ਨੂਰਪੁਰ ਹੋ ਸੇਤੀ ਬਾਲ ਬਲੈਲ ਕਲਰਕਾਰ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਮੰਗਾਣੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਿੰਡੇ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਦਰਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਆਏ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਭਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਸਲ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਮੇਹਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਮਾਨ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਨਕ ਅਲੀ ਆਇਆ ਮਾਨਕ ਅਲੀ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਰੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਰੰਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੱਲੀ ਨਾੜੀ ਔਰ ਸੰਦਰਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉਸਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਹੈ ਆ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਆ ਖੰਜਰ ਅਲੀ ਅੱਛਾ ਖੰਜਰ ਅਲੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਹਾਨ ਸਹੀ ਸਾਂ ਲੋਕ ਜਹਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਮਰਾ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਜਾਮਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਹਾਨ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਡੇਰੂ ਹੈ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਧਮਣ ਹੈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਡੇਰੂ ਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤਰਿਆ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਬੀਰ ਨੇ ਆ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਦਮਣ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਪੀਰ ਕਬੀਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਭੱਲਾ ਠੀਕ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਭੱਲਾ ਇਹਦੇ ਔਲਾਦ ਭੱਲਾ ਹੈ ਲੋ ਔਰ ਰੁਕਣਾ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦ ਹਨ ਭੱਲੇ ਦਾ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਜੈਦੁੱਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆ ਅਬਦੁੱਲੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਰੁਕਣੇ ਬੈਠੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਭੱਲਾ ਇਹਦੀ ਔਲਾਦ ਇੱਥੇ ਭੱਲਾ ਬੈਠੀ ਇਹ ਤੂੰ ਕੁਝ ਘਰ ਮਖਿਆਈ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਲਿਆਂ ਦੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮਰੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਹੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆ ਜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਪਦਰਾੜ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਸਗਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਸਮਲਾਰ ਹੋ ਗਈ ਮਦੋਨੇ ਰਾਂਝੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਬਾਬਾ ਅਬਦੁੱਲੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਤੈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਦੀਜ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਇਹਦੀ ਔਲਾਦ ਜੋ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਨਾਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਾਲ ਮਗਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਨੇ ਇਹਨ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਦੀ ਸੂਨ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਵਾਦੀ ਸੂਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਖਬੇਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਧਧੜ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਦਾ ਬਨਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਨਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੰਗਸਿਆਲ ਹੋ ਗਏ ਮਖਿਆਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਮਦਵਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬੇ ਵਧੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਹਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਖਬੇਕੀ ਉਹ ਧਧੜ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ
सही है। अच्छा। थोड़ा सा दस दो कि बाबा ने कितना अरसा बाबा बदी रहमत उल्लाह पथराड़ रहे हैं, तो उस तो बाद इस एरिया इतने क्यों आके आबाद हुए हैं, की वजह सी, कोई दुश्मन ऐसी या क्या मसला ऐसी? इस तो वेख जी उस टाइम क्योंकि एक तो जंजुआ का ना भी दुश्मन आई हाँ, तो बाबा अब्दुल्ला गोलड़े जड़े आ वह भी क्योंकि खोखना शहीद कर दिते आ। सही है। इस जगह वेखो तो इतने कोई जो बंदा उत रहने आंदा नहीं जाए और इतनी मुश्किल जाए, बड़ी मुश्किल जगह अपनी हल ए जाए बेहतर मतलब एक सेफ्टी आई जड़ी ना उस वास्ते कबीला खानदान जड़े आ बाबा बदी वो इतने आके रह गए। सही है। और बाबा बदी इतने ही रहा गोश की औलाद जी फिर पथराड़ पथराड़ सारी जड़े इन्हें अगो हिजरत करके बाबे जड़े ग्राम फैलते गए ना ग्राम बनते गए तकरीबन जो ज्यादा ग्राम बने नहीं बस 1600 जड़ा ना जितने ग्राम जगह फैले ना वाने दी ज्यादातर 16वीं सदी फैले। सही हो गया। जबरदस्त। इन्हें काफी हमें जो है ना बाबा बदी रहमतुल्लाह अलैह की जो उनके आगे बेटे थे और उनकी जो नस्ल कैसे फैली और कौन कौन से गवाह बाद हुए, अभी भी थोड़ा हम इनसे पूछेंगे कि इधर तकरीबन हमने बस्ती देखी है इधर, तो बता दें कि इधर कितने घर आबाद थे और ये मिसाल कैसे यहाँ पर आबाद हुई और वहाँ पर कैसे रहते थे? भाई जान ये उन्हें आबादी जड़ी ये तुम वेखो इतो तो दसेंदे न पुराने बंदे बैठे पूरे इन समझ बड़ा वड्डी गाँव है चंगा बल्ले जड़ा ने इतने आबादी आई हूँ तो सारी जह गई 800 साल हो गए लेकिन इतने हूँ पत्थर पुराने जिनते हैं क्योंकि दसेंदन बैठे जो मकान बने हुए वो चक्की होड़ा आंदा पुराने बंदे उस गल समझने को पत्थर जड़ा ना उस ना गड़े बहना उचकी होड़े ना सारे पत्थर बनाए गए और इत मकान जड़ा ना है ये तकरीबन 200 साल या 250 साल इतने जड़ा ना आबाद रहे। इस तो बाद बाती मतलब कुछ थल ला गए कुछ उतन हिजरत करके फैल गए। सही साहब थोड़ा मैं ये बता दें कि जो पथराड़ में उनकी जो कौन से बेटे में से आगे वो नस्ल बड़ी और अभी कौन कौन सी कौमें आबाद है पथराड़ में, थोड़ा इसके बारे में बता दें। भाई जान मैं तुम दस रहा कि बाबा डेरू के त्रै पुत्र है जी, एक जो बाबा भले औलाद भलैल और द्रुगणे आबाद है जी, दूए जो पुत्र है अब्दुल्ला उसकी औलाद पथराड़ और भाल आबाद है। सही। पथराड़ मदोने सगरार समलार रांझे ये जड़े उस बाबे अब्दुल्ले की औलाद हैं और त्रीए जो पुत्र है बाबा कबीर। सही। इधर फिर अगे एक पुत्र है बाबा गाजी, बाबा गाजी का पुत्र है बाबा बक्कू। ठीक। बक्कू तो फिर अगो चार पुत्र है जिन्हें अच एक बाबा फिरोज फिरोच है जिसा फिरोचन के नाल जानने जिंद औलाद पथराड़ो पंजवाल मस्ती आली बाबे फिरोज का कुतब पुत्र है। सही है। कुतब के फिर अगो जरा त्रै पुत्र है एक बाबा ईस है एक सुधार है और एक बाबा अली मोहम्मद पंजू है जेड़ा पंजवालां दा वड्डा। सही है। ते बाबा सुधार जेड़ा है ई मस्तियालां दा बाबे मस्ती दा दादा है जिस तो मस्तियाल बिरादरी और जेड़ा ईस है चो गाढ़े बिरादरी इंजा जेड़ा बाबा अल्लाह जवाए है दूआ बाबे फिरोज दा पुत्र इहदी औलाद चो ई मिसाइल बिरादरी हो गई कमलैर बिरादरी हो गई इस चो मन जहां इन बिराह ते जामरे बैठे हैं। सही। उस तो बाद एक और उमर है जिस दी औलाद चो दो जड़े पुत्र हैं वो झामरे लग गए और उमर दे जड़े त्रीया पुत्र है हसन उसकी औलाद इस सतह बिरादरी जड़ी पथराड़ है सीधी बैठी और पीर तैहरी मंगानी शरीफ है जड़े पीर हैं ये भी उस हसन की औलाद हैं। सही सही। इंजारी बलैल बिरादरी जड़े दमन आए बाबा इकबाल है वो बाल फरोज का पुत्र है त्रीया उस चो बलैल बिरादरी हो गई और एक का पुत्र है वो काला वो करूली लग गए है। ठीक है। और दूआ जो बाबे फिरोज फिरोज का बाबे बक्कू का पुत्र है फिरोज का बिरा है वसन इधी औलाद जी बाबा वसनाल को वसनाल ही लग गए मौजूदा जो वसनाल है उन्होंने नाए ते ही है। ठीक है। इस बाबे के दो पुत्र है एक बाबा अद्धी है और एक बाबा कुली है। सही है। और त्रीया जो बाबा है बाबा राजा जिस चो रजा बिरादरी ये पथराड़ा है हो गए और हुसैनाबाद ही डांगे हो गए जी और उस तो बाद लाफी बैठे और मियाँ है बने। ठीक है। उस बाबे राजे के त्रै पुत्र है एक बाबा चन्नन है एक बहादुर है और एक बाबा गगे है और चौथे जड़े इन्होंने बिरा है बाबा शहजादे है जिसकी औलाद इतने सेहती से नूरपुर बैठी ये मौलाना अक्रम साहब भी निंदे सिलसिले नसब भी जड़ा बाबे शहजादे ना। सही सही। तो ये मतलब इस जड़े ने चारे तो ये ज्यादा औलाद फैली कलरकार भी जड़े बैठे ना वो भी इस बाबे जवाए की औलाद हैं जड़े फिर उसका पुत्र जवाया। सही है। तो जामरा भी जड़ा वह भी तकरीबन ज्यादातर उत्थे जड़ा उमर की और अल जवाए की औलाद है जबरदस्त अलहमदुलिल्लाह ताहिर ने काफ़ी दोस्तों आज हमें इंफॉर्मेशन फ्राम की है और अभी जो साइट का एरिया है वो मैं आपको ड्रोन के थ्रू कैप्चर करके दिखा देता हूँ
तो आगे के जो हम आपको ड्रोन के साथ भी जो जो इन्फॉर्मेशन है वो इंशाल्लाह देंगे, तो भी ड्रोन उड़ाते हैं और फिर देखते हैं। अल्लाह हर दिल हर थावे च इश्क समाया है, अर्श फर्श ते इश्क ने कदम टिकाया है, ओ चौदह तबका अंदर थावा इश्क दिया, औखे पेंडे लम्मिया रामा इश्क दिया, औखे पेंडे लम्मिया ने रामा इश्क दिया। अब हम यहाँ पे पहुंचे हैं, तो अभी हम नीचे थोड़ी नीचे की तरफ आए हैं, तो यहाँ पर हमें जो है हजरत बाबा बदी रहमतुल्लाह अलैह के घरों के कुछ आसार नजर आए हैं। अभी बिल्कुल घर जो है वो टोटली गिर चुके हैं, लेकिन कुछ दीवारें अभी तक कुछ बुनियादी कायम हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दीवार की बुनियाद थी, ये इसी तरह आगे दीवार देखें, पत्थर रखी हुई है लाइन में, ठीक है। यहाँ पर ये आसार हैं कि यहाँ पर जो है ना पुराने पहले घर आबाद थे। ये देखें, ये दीवार ये पूरी इसी तरह अभी तक थोड़ी कायम है। यहाँ पर भी कुछ मकान थे इस साइड पर, ये देखें, ठीक है। चारों तरफ इसकी दीवार है, और इस तरफ अगर आगे हम जाएं तो यहाँ पर भी जो है ना हमें इसी तरह कुछ आसार नज़र आते हैं कि यहाँ पर जो है ना कुछ घर आबाद थे, ठीक है। ये देखें, ये भी इस तरह मकान थे और ये गिर चुके हैं। दरबार है जी, ये देखे तो इधर मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये भी मकान नजर आ रहा है, ये देखे इस साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि पूरी आबादी थी और काफी घर यहाँ पर थे। यहाँ पर जो बाबा बदी रहमतुल्लाह अलैह उनका पूरी फैमिली खानदान जो है ना और इधर ही रहते थे, ठीक है। ये सारी जो जगह है निशाना ही करते हैं, ये काफी गहरी जगह है, इधर आगे देखे तो इस साइड पे, ठीक है। ये देखिए, खत्म कर सकते हैं पत्थर पट्टन पत्थर पुराना पत्थर बिलकुल पुराना इसा किस चीज नाल घड़े दे ते ई चक्की होड़ा हुंदा जी चक्की होड़ा हां पुराने बंदे समझने अच्छा और चक्की होड़ा जेड़ा ने पुराने तो ए पत्थर उस ने आ गोए वाला देखो सही है हां बिल्कुल साइड तो जेड़ा ना सारे जेड़े खुद कम किते गए चक्की होड़े ना और बड़े होने पत्थर देखना कितना तरतीब ना ठीक है ये भी देखिए ये भी पत्थर इस तरह देखिए दोस्तों
ये भी जो है पुरानी जो दौर की जिस तरीके से वो पत्थर को तराशते थे, वो तराश हुए हैं सारे पत्थर, ये देख ले इसी तरह ये सारे मकान इधर ही गिर गए थे। और ये पत्थर तो वाकई सबसे बड़ी निशानी है, अगर देखें ये लाइनें देखें अभी तक आपको नजर आ रही होंगी, ठीक है, ये पुराने वक्तों की मैं जो है ना ये देखिए निशान अभी तक जो है ना बकाया है, सही ज़बरदस्त। और यहाँ पर पत्थर भी आप देखें तो कई किस्म के पत्थर हैं, यहाँ पर भूरा पत्थर है, सफ़ेद पत्थर भी है, इस तरह ये भी पत्थर नहीं अजीब सा पत्थर है यहाँ पर जो है ना, और मुख्तलिफ कलरों में, ये भी यहाँ पर आबादी थी पहले, सारी आबादी है, सही है भाई, वो इस साइड की सबसे बड़ी दीवार है, ये दीवार इस पूरी बस्ती की जो है ना दोनों अतराफ में फैली हुई थी, और ये इस तरह आगे पीछे की तरफ जा रही है, ऑपोजिट साइड पे भी ऐसी ही है, दोनों तरफ गहरी खाई, ये प्रोटेक्शन थी जो पुराने लोगों ने बनाई थी। और ये पत्थर देखे जो इस्तेमाल किए गए अभी तक वो अपनी जो है ना सही हालत में मौजूद है, पत्थर भी इसमें तीन चार किस्म के हैं, सफेद पत्थर है, भूरा है, और इसमें और एक भुरभुरा पत्थर है, बॉडी देखिए किस तरह पुराने पुराने बहुत पुराने दरख्त हैं यहाँ पर। और नीचे यहाँ चश्मा की तरफ अभी जा रहे हैं, चश्मा इस तरफ है, ये देखे पुराना बोर्ड का दरख्त वो नीचे है, हाँ ये देखिए दोस्तों ये पुराने वक्त में बनाई गई एक और दीवार अभी नजर आई है, ठीक है सुखा कड़ी मालिक, हाँ सुख नहीं गया, पानी कितो पीवी, हाँ ऐ तो कुवाल थोड़ा निकलता पी, माखु की मक्खियाँ वेखना किस तरफ माखु की मक्खियाँ तो पानी लेके जा रही हैं, कह रहे बड़ा माखु होने नहीं, हाँ ये देखिए जी बड़ा बोर्ड, बहुत बड़ी बोर्ड है, और नीचे ये पानी का चश्मा है, यहाँ से हम पानी पियेंगे क्योंकि पानी हम साथ नहीं लाए थे, और पानी बहुत यख ठंडा है, वो ऊपर से पानी आ रहा है चश्मा इस दरमियान से, ठीक है इन दरख्तों के बीच से आ रहा है, बहुत पुराने पुराने दरख्त हैं यहाँ पर, ये देख इस तरफ अब पानी के पाइप भी हैं, यहाँ से पानी जो है ना नीचे ये इलाका है ना वहाँ को सप्लाई किया जाता था, ये जड़ा ना वह बनाई हुई मतलब जी इस तो सही सीधा नहीं बात बदी हो रही नहीं सही तो जो पदराड़ माड़ी ही ना बाद तो मैं आपको लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि आप कभी भी फ्री हो तो इस जगह लाजमी आए, बहुत ही मजे वाली जगह, पुरसकून जगह है, रास्ता वाकई मुश्किल है लेकिन यहाँ पर जो सुकून है, चश्मा भी है वहाँ पे, बाबदी का दरबार और खन्ने घने दरख्त, पीछे आप देख रहे होंगे बोर्ड के बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं, तो अगर वीडियो लगी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, टेक केयर, खुदा हाफिज़। दोस्तों वापसी पे हाल हो गया, अभी टायर पंचर हो गया तो मोटरसाइकिल को अभी हम वैसे लेके जा रहे हैं, और वहाँ से इंशाल्लाह पहुँच के पंचर लगवाएंगे, लेकिन रास्ता बहुत अभी लंबा है, देख के कहाँ पहुँचते हैं अभी।